सिवनी जिले के झाबुआ पावर प्लांट में रेलवे के माध्यम से पहुंचने वाली कोयले की रेक से कोयला उतारने के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पावर प्लांट के इस कदम से सैकड़ों ग्रामीणों को मिलने वाला रोजगार छीन गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की, बावजूद इसके ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। झाबुआ पावर प्लांट के जो कोयला उतर रहा है ट्रेनों द्वारा, वो चूंकि लेबरों के द्वारा उतरना था, लेकिन वहाँ का जो ठेकेदार है और झाबुआ प्लांट के जो अधिकारी कर्मचारी उनकी साठ गांठ द्वारा वो जेसीबी से खाली करवा रहे हैं, भरवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरी प्लांट से ही चर्चा हुई एवं रेलवे अधिकारियों से भी चर्चा हुई, तो वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिले के बिनिकी स्टेशन पर रोजाना कोयले से भरी मालगाड़ी आती है और इस मालगाड़ी से हजारों क्विंटल कोयला मशीनों के माध्यम से टिम्फरों में लोड किया जाता है, जिसके चलते कोयले का डस्ट उड़कर ग्रामीणों के घरों में जा रहा है। दूसरी ओर रेलवे विभाग ने मालगाड़ी से कोयले को उतारने का काम भी ठेके पर दे दिया है, जबकि नियमानुसार मालगाड़ी से मजदूरों के द्वारा ही कोयला उठवाया जा सकता है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार द्वारा जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष विजय तिवारी ने रेलवे अधिकारियों से बात की, जिस पर रेलवे अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए रेलवे ठेकेदार को दोषी बताते हुए कार्यवाही की बात कही। जानकारी है मेरे को, अभी वहाँ के सरपंच और सचिव द्वारा जानकारी दो दिन पहले जानकारी दी गई थी कि जो कोयला लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, उस कोयले का जो राख जो धुआं जो निकल रहा है, उससे लोगों का आमजन का जीना दुभर है। और जो बात आती है, जो हमारी सरकार चिंतित है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो ठेकेदार द्वारा या रेलवे द्वारा उसको जैसी मशीन से लोडिंग अनलोडिंग कराया जा रहा है। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।